जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के घर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कहीं पर लड्डू गोपाल के रूप में, कहीं पर शालिग्राम के रूप में, कहीं पर श्रीहरि विष्णु के रूप में, कहीं पर युगल सरकार अर्थात राधा कृष्ण के रूप में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि हर किसी के घर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है और हम प्रतिदिन उनकी पूजा और उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बात आती है, जब उनके जन्मदिन की बात आती है, तो वह दिन हमारे लिए बहुत ही खास होता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय, जिसमें चंद्रमा वृषभ राशि में था, उस वक्त उनका हुआ था। हम सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से इसे हम बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस है, जो जन्म का जो जन्मोत्सव है, उस दिन अपने गोविंद के प्रति अपनी हम श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपने आभार प्रकट करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए इस दिन हम पूरे दिन व्रत करते हैं। और जब शीतकाल अर्थात जब मध्यरात्रि का समय आता है, तो उस वक्त हम उनका जो उत्सव है, जन्मोत्सव है, वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को व्रतराज कहा जाता है, अर्थात सभी व्रतों का राजा। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो बिल्कुल एकादशी व्रत की तरह रखा जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिन घरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहां वे कभी भी अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य और कलह जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में गोलोक को वास करता है। अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मना के एक खुशी और एक आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन में चलने जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उसका निराकरण स्वतः ही होने लगता है। 2024 भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त दिन सोमवार की ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले अर्थात 3:39 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। और ये अष्टमी तिथि हमें 26 अगस्त दिन सोमवार की देर रात्रि में 2:19 तक हमें प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 26 अगस्त दिन सोमवार को हमें पूरे दिन और लगभग पूरी रात्रि हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि का तो महत्व होता ही है, लेकिन साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 26 अगस्त दिन सोमवार को जो रोहिणी नक्षत्र है वो दोपहर में 3:55 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। और अगले दिन अर्थात 27 अगस्त की दोपहर में 3:38 तक हमें प्राप्त हो रही है। तो जन्माष्टमी के व्रत में और जन्माष्टमी के पूजन में, जिस समय मध्यरात्रि में हम जन्मोत्सव मनाते हैं, उस समय अष्टमी तिथि का प्राप्त होना और रोहिणी नक्षत्र का प्राप्त होना बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस साल 2024 में हमें 26 अगस्त दिन सोमवार के दिन हमें मध्यरात्रि के समय, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, उस समय हमें अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो रही है और हमें रोहिणी नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रही है। तो इस साल का जो जन्माष्टमी का व्रत है वो 26 अगस्त दिन सोमवार को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही उत्साह के संग मनाया जाएगा। 26 अगस्त दिन सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि इतने अच्छे योग में हम जो भी शुभता का कार्य करते हैं वो अवश्य ही सफल होता है और अवश्य ही सिद्ध होता है। 26 अगस्त दिन सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का जो प्रारंभ होने का समय है वो दोपहर में 3:55 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। और इस दिन चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है, जो कि बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और जो चंद्रमा थे वो वृषभ राशि में थे। तो इस साल का जो जन्माष्टमी है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाला है। निर्णय सिंधु के अनुसार जब जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि के समय अष्टमी तिथि प्राप्त हो और रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो, उस समय अगर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो जो भी मनुष्य उस दिन जन्मोत्सव मनाता है, उस मनुष्य के कई जन्मों के जो पाप, संचित पाप होते हैं, वो सभी जल के नष्ट हो जाते हैं। तो इस साल हमें अष्टमी तिथि भी, मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो रही है, रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है, चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है। तो सब मिला जुला के इस साल का जो जन्माष्टमी है बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाली है। 26 अगस्त को निशीत काल की अर्थात मध्यरात्रि की जो पूजा का समय है वो रात्रि में 11:39 से लेकर रात्रि में 12:24 तक है। आइए अब देखते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण का नियम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस अनुसार करना चाहिए।
तो जन्माष्टमी की जो व्रत का पहला नियम है, उसके पारण का जो पहला नियम है वो है कि हम पूरे दिन व्रत करते हैं और मध्यरात्रि में जब जन्मोत्सव हम संपन्न कर लेते हैं तो जन्मोत्सव संपन्न करने के पश्चात जो हम श्री कृष्ण को भोग लगाए रहते हैं उसी भोग से अपना हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो ये हुआ पहला नियम। और दूसरे नियम के अनुसार जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है, पूरे दिन और पूरी रात्रि व्रत किया जाता है, जब सूर्योदय अगले दिन हो जाता है तो व्रत का पारण कर लिया जाता है, वैसे जन्माष्टमी के व्रत में पूरे दिन हम व्रत करते हैं और रात्रि में हम जन्मोत्सव संपन्न करते हैं और जब सूर्योदय हो जाता है तो अपना हम व्रत का पारण कर लेते हैं। और तीसरे जब इस व्रत का पारण का जो नियम है उसके अनुसार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि जब दोनों ही समाप्त हो जाता है तब हम अपने व्रत का पारण करते हैं। और जो चौथा जो पारण का नियम है उसके अनुसार रोहिणी नक्षत्र या फिर अष्टमी तिथि है, इन दोनों में से किसी एक के अगर दोनों में से कोई भी एक समाप्त हो गया तो उसके पश्चात अपने हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो ये जो जन्माष्टमी का जो व्रत का पारण है इन चार नियमों के अनुसार किया जाता है। तो ये जो चारों नियम है इसमें चारों में से किसी के अनुसार भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि जो चारों हैं सात सम्मत नियम है और जिसमें आपको सुविधा हो उसके अनुसार अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, आप व्रत करें या ना करें लेकिन अपने घर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अवश्य ही मनाएं। आपके घर के आसपास के मंदिरों में अगर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें अवश्य ही सम्मिलित होइए, अपने घर के बच्चों को भी उसमें अवश्य सम्मिलित करिए, क्योंकि जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है उसे मनाने से उसमें सम्मिलित होने से हमारे कई प्रकार के जो दुर्भाग्य होते हैं वो टल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है हम सभी के लिए, इससे हमें लोगों को अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए और अवश्य अपने घर में मनाना भी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।